हेलो जी, आगे हम हैं सज धज के बाबू बन के एकदम त्योहार सेलिब्रेट करने के लिए हम रेडी हैं जी। आप रेडी हैं ना? हाँ, तो करना कुछ नहीं है, बस बेसिकली ऐसे ही बाबू बन के आ जाइए आप भी, और थोड़ा म्यूजिक व्यूजिक लगाइए किचन में और चालू हो जाइए बस, ठीक है? लेकिन वो हम भी चालू होते हैं वो म्यूजिक के बाद। ओके, सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे ज़रूरी काम करते हैं, सबसे पहले बनाते हैं वो रेसिपी जो कि हर त्यौहार में बननी पारे। अब चाहे शक्कर पारे और नमक पारे, वो दोनों प्रॉब्लम सॉल्व कर देंगे। रेडी? तो एक काम करते हैं, पहले आटा गूंद लेते हैं नमक पारे का, ठीक है? तो ये गया मैदा, ये गया आटा, जितना मैदा उतना आटा, ये गया नमक और ये गई अजवाइन। सबसे पहले डाला घी। अभी चाहे नमक पारे बना रहे हो, शक्कर पारे बना रहे हो, एक चौथाई से एक तिहाई तक मोइन जाएगा उसके अंदर। मतलब अगर कुल मिला के एक कप आटा है तो उसमें एक चौथाई या मैक्सिमम एक तिहाई कप शॉर्टनिंग, यानी कि जो भी आप डालना चाहें, तेल या कायदे से घी जाएगा, ठीक? ये मोइन को अच्छे से रगड़ लिया जी, ब्यूटीफुल। अब इसके अंदर डाला लगभग 2 टेबलस्पून सूजी का आटा, ठीक है? सूजी जो है इसको खस्ता भी करती है और दूसरा शेल्फ लाइफ भी देती है। वो क्या है ना, कई बारी हम बनाते तो हैं लेकिन वो पड़ी पड़ी सौगी हो जाती है, सूजी उसको सौगी नहीं होने देती। ब्यूटीफुल। और कलर के लिए बिल्कुल थोड़ी सी शक्कर, मतलब 1/4 टीस्पून शक्कर। अब बेकिंग सोडा, तो ये गई दही और ये गया पानी, और डो जो है वो एकदम टाइट गूंदना है। और एक ट्रिक बता रहा हूँ जो बड़े काम की है, जब आपका डो गूंद जाए तो उसके अंदर 1 चम्मच सूजी और डाल दीजिए। उससे क्या होगा, कई बार डो जो है उसके तेल में फटने के चांस बन जाते हैं या खस्तापन कम हो जाता है, खस्तेपन की गारंटी अपने आप आ जाएगी। सिंपल, ईजी, नो रॉकेट साइंस। ये लीजिए, ये हो गए जी नमक पारे, ठीक है? नमक पारे में थोड़ी सी शक्कर और शक्कर पारे में थोड़ा सा नमक, बहुत ज़रूरी है, ठीक? इसको मलमल से ढक के रख देते हैं साइड में, ठीक है? ठंडी जगह रखना है इसको। और दूसरा, जो भी आप पानी डाल रहे हैं, दही डाल रहे हैं, वो आपको ठंडी डालनी है। उससे क्या है, जो आपने घी डाला हुआ है ना, वो बंध जाएगा, पकड़ जाएगा, इसकी शेप अच्छी आएगी। शक्कर पारे मतलब गुड़ पारे बनाते हैं, गुड़ पारे। शक्कर पारे के लिए ये मैदा, पिसा हुआ रवा, आटा। देखिए, गुड़ पारे बनाते हैं यानी कि डो में थोड़ी शक्कर डालेंगे लेकिन बाद में गुड़ में कोट करेंगे, ठीक है ना? मैं सिंपल वाले तरीके से बनाता हूँ। पहले थोड़ा घी और थोड़ा दूध, ये देखिए। अब क्या होता है, शक्कर पारे जो है यूजुअली कोट किए जाते हैं, कई बार शक्कर से, कई बार गुड़ से, तो इसलिए थोड़ी शक्कर डाल रहा हूं मैं, और इसलिए वो थोड़े मजबूत होते हैं क्योंकि बार बार चलाया जाता है, टूटने का चांस होता है। तो नमक पारे में जैसे हम मोइन दबा के डालते हैं, शक्कर पारे में हम मोइन सिर्फ 1/4 ही डालते हैं, 1/3 तक नहीं ले जाते, और दूसरा मोइन और दूध ऐसे मिला के डालते हैं ताकि बाइंडिंग भी आए और खस्तापन भी आए, उसका बैलेंस बहुत जरूरी है। और दूध और घी,
तो इससे क्या है कि मजबूत भी बनेगा, ऐसा नहीं है एकदम से ही टूट जाएगा, लेकिन खस्ता भी रहेगा। बस बाकी का दूध डाल के, या पानी डाल सकते हैं आप, हाँ ऐसा कोई ज़रूरी नहीं आपको दूध ही डालना है, पानी भी डाल सकते हैं आप, उसको डाल के गूंधना है बस। और अब जो है वो सेम ट्रिक, जैसे पिछली बार थोड़ा रवा लास्ट में डाला, यहाँ पर फिर से पिसा हुआ रवा लास्ट में डाल दिया। देखिए सूजी जो है ना वो कठोर होती, कड़क होती है, तो इसलिए सूजी के डो को हमेशा ज़्यादा रेस्ट देना पड़ता है। मैदे वाले डो को अगर आप 15 मिनट रेस्ट देंगे तो हो जाएगा, लेकिन सूजी वाले डो को कम से कम आधा घंटा। ये हो गया हमारा शक्कर पारे का डो। बेकिंग सोडा जो है ना वो बिल्कुल कम डालना है, नाम भर का डालना है बस। पहले हमेशा तेल टेस्ट करने के लिए एक डाल लेते हैं। तेल जो है वो मीडियम हॉट, चाहे शक्कर पा रहे हो या नमक पा रहे हो, कोई भी। देखिए बेकिंग में हम लोग कहते हैं द शॉर्टर द डो द लोअर द टेम्परेचर, मतलब जितना ज़्यादा मोइन पड़ा हुआ है केक के डो में या कुकी के डो में, उतने कम टेम्परेचर पे उसको बेक करते हैं। वैसे ही सेम चीज़ शक्कर पारे के लिए भी है, फ्राइंग के लिए भी है, हिंदुस्तानी खाने में। कोई भी शेप काट सकते हैं इसकी, और मैं मोटे नमक पारे इसलिए रखता हूँ, आप चाहें तो पतले पतले भी रख सकते हैं, बट फिर वो निमकी हो जाती है, मतलब जैसे समोसे की स्ट्रिप होती है ना वैसी हो जाती है वो। तो हमारे यहाँ जो नमक पारे थे वो हमेशा ऐसे ही चौरस बनते थे, बीजी बनाते थे, और नमक पारे शक्कर पारे हमारे यहाँ तब बनते थे जब ट्रेन जर्नीज होती थी। एज अ बेसिक रूल जब हम लखनऊ से चलते थे पंजाब के लिए, तो यहाँ पर दादी जो हैं वो नमक पारे बनाती थी, और जब हम पंजाब से चलते थे तो वहाँ पर दादी जो हैं वो पीपे भर भर के घी देती थी और घर का गेहूं देती थी। तो यही होता था, इधर से नमक पारे भर के जाते थे और उधर से घी भर के आता था। और फ्राई जो है घी में भी कर सकते हैं, तेल में भी कर सकते हैं, लेकिन मुझसे पूछिए तो घी में फ्राई कर लीजिए। और तेल से बाहर निकालेंगे या घी से अगर आप बाहर निकालेंगे उसके बाद भी कलर आता रहेगा इसमें, 90% जब आपको रंग मिल जाए तब निकाल लीजिए, 100% का वेट मत करिए, वरना आप इसको तेल से बाहर निकालेंगे ये फ्राई होता रहेगा, कलर हो जाएगा काला और आप कहेंगे रणवीर आपने बताया, रणवीर ने बताया था। 90% कलर पे निकाल लीजिए। चलो जी, तो ये हो गया जी नमक पारे, इसको रखो साइड में, गरम गरम नहीं खाना, मुंह जल जाता है, बचपन की यादें, मेरे को पक्का पता है। ठीक है, शक्कर पारे के लिए, शक्कर पारे का रंग थोड़ा तेज होगा बिकॉज उसमें शक्कर है, शुगर की वजह से कलर आएगा, तो शक्कर पारे का रंग थोड़ा तेज होगा, प्लीज बी मेंटली प्रिपेयर्ड फॉर इट। अब शक्कर पारे जो है थोड़े मोटे बनाने, और मोटे इसलिए बनाने क्योंकि इसको शक्कर में चलाना है, और अगर ऐसे पतला रखा तो जब शक्कर में चलाएंगे तो टूट जाएगा और आप कहेंगे रणवीर आपने बताया नहीं, बताया था ना रणवीर ने। ये इसके बेटन्स बना लेता हूं, बेटन्स थोड़े अच्छे भी लगते हैं ना, और एकदम से नहीं चलाना वरना शेप खराब हो जाएगी, थोड़ा उसकी शेप बन जाए फिर चलाएंगे इसको। अब क्योंकि इसमें हमने शॉर्टनिंग के साथ में दूध मिक्स किया हुआ, याद है हम लोग घोल बना रहे थे दूध का और घी का, तो इसलिए ये उतने खस्ता नहीं होंगे जितने कि नमक पारे होंगे, और उतने खस्ता होने भी नहीं चाहिए, लेयरिंग आनी चाहिए लेकिन उतने खस्ता नहीं होने चाहिए, खासतौर अगर आप इसको शक्कर में कोट करना चाहते हैं, क्योंकि अगर आप शक्कर में कोट करना चाहते हैं और ये खस्ता होंगे तो आप इसको शक्कर में डालेंगे और या गुड़ में डालेंगे और गुड़ का हलवा बन जाएगा, फिर शक्कर पारे नहीं बनेंगे। अब ये गुड़ पारे है तो गुड़ तो डालना पड़ेगा ना, उससे पहले थोड़ा सा पानी, ज़्यादा पानी नहीं,
समझ लीजिए मेरे पास 2 कप चॉप गुड़ है, उसके अंदर मैंने सिर्फ 2 टेबलस्पून पानी डाला है और ये डाल दिया गुड़। जब भी गाढ़ी चाशनी बनानी हो तो पानी कम डालिए, वरना आपका उतना ही समय जो है वो लग जाएगा चाशनी पकाने में, उसके पानी को इवेपोरेट करने में। ये देखिए अपनी शेप पकड़ रहा है, पूरा का पूरा निकल आया, बाकी अपनी हीट में अपने आप पक जाएगा। उसको कर लेना है ठंडा, जमने नहीं देना लेकिन ठंडा कर लेना है। ठंडा करने के बाद फिर इसको डालना है शक्कर पारे के ऊपर। और अगर आप जैसे सौंफ डालना चाहते हैं तो यही मौका है, यहां पर डाल सकते हैं। और इसके बाद इसको बस यूँ चलाना है, चलाते रहना बहुत ज़रूरी है। देखिए इसके बाद क्या करना है, आपको थोड़ा स्मार्टली फोर्क से अलग करते जाना है। मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ, अगर आपको ऐसे चमकदार शक्करपारे नहीं चाहिए तो गुड़ लें, गुड़ के अंदर थोड़ा पानी डालें, ज़्यादा पानी मत डालें, 2 कप में 1 टीस्पून पानी डालें, उसको पकाएं, ज़्यादा मत पकाएं, ठीक है। जैसे ही वो पिघल जाए और लगभग मेल्ट होने के बाद एक तार तक आ जाए उसको हटा लें, रूम टेम्परेचर तक लाएं, उसके बाद रूम टेम्परेचर के शक्करपारे उसके अंदर मिलाएं और धीरे 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 चलाते रहें ताकि गुड़ जम जाए। त्योहारों की तैयारी हो गई, मतलब त्यौहार से 4-5 दिन पहले बना सकते हैं आप आराम से, और उसके बाद स्टोर करिए। लुक्स गुड, इसका मतलब इस बार त्यौहार पे बाहर से सामान लाना बंद। प्रॉमिस एंड प्लीज डू सब्सक्राइब, थैंक यू।